चलिए, तुम लोग बात कर रहे थे आपकी एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। इसमें हम लोग कक्षा 11वीं की आपकी जो राजनीतिक विज्ञान की जो सेकंड बुक है, जिसका नाम है भारत का संविधान और सिद्धांत और व्यवहार, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसमें आपने देखा कि हम लोगों ने 6 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं, और लास्ट 6वां चैप्टर आपका देखा था न्यायपालिका के बारे में। हम लोगों ने बड़े विस्तार से जाना था। आज हम बात करेंगे संघवाद के बारे में। और याद रखिए, फिर से बता देता हूँ, आपको जो भी एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, फिर चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, उन सब की पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है। और अभी तक जितनी भी क्लासें ली गई हैं वो एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डली हुई है, ठीक है। वैसे याद रखिए, संघवाद, इसके नाम से ही आपको परिभाषा इसकी मालूम चल जाती है। जैसे मिला हुआ एक तरह से जुड़ाव आपको महसूस नहीं होता है कि कई सरकारें मिली हुई उसमें, उसे ही आप लोग संघवाद कह देते हैं। सामान्यतः आप इसका संघवाद का अर्थ इससे भी निकाल सकते हैं कि किसी तरह का समझौता। अब समझौता होगा तो एक पार्टी के बीच तो होगा नहीं, दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच होता। आप देखते हैं कि हमारे देश में अगर बात करें तो केंद्र सरकार होती है, फिर आप देखते हैं राज्य सरकार होती है, फिर आप स्थानीय स्तर की सरकारों को भी देखते रहते हैं। इन्हीं को आप लोग एक तरह से जुड़ाव को क्या कह देते हैं, संघवाद कह देते हैं। आगे आप देखते हैं कि इसका क्या होता है, बंटवारा होता है शक्तियों का। आप लोगों ने सुनाई सुना होगा विधायी संबंध, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है ना, आपका विधायी शक्तियां हो गया, प्रशासनिक संबंध हो गया, और वित्तीय संबंध हो गए आपके। इस तरह के जो भी समझौता रहते हैं कि आप इस पर काम करते रहिए, आप इस तरह से बंटवारा रहेगा, उसी के बारे में हम लोग बड़े विस्तार से जाएंगे। बस आपको बड़े धैर्य के साथ अगर बुक्स पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, अगर बड़े सुन रहे हैं लेक्चर को तो आप बड़े मन लगाकर सुनिए। कोई शब्द मुझे लगता है कि इसमें ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आ सके। आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है एक बुक्स जो भी आपकी है, तो आपको बस ध्यान से पढ़ना है। हमारे देश में आप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सब राज्यों का एक तरह से आपने देखा है एक सेंट्रल सरकार होती है, यानी कि आपकी केंद्र सरकार होती है, बाकी राज्यों में राज्य सरकारें होती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ऊपर आप देखते हैं कि नया लद्दाख बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, फिर आपने देखा है 370 हटा दी गई और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो याद रखिए, लद्दाख में आपकी कोई विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की जैसी, जैसे दिल्ली में आप देखते हैं ना कि विधानसभा है, उसी तरह की व्यवस्था होगी, ठीक है। फिर आप हिमाचल प्रदेश, पंजाब, देहरादून, हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, और आपकी बात बिहार देखेंगे। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार, यहाँ देख ही लिया आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सभी आपके राज्य हैं, ठीक है। और याद रखिए एक बात और याद रखिए, इन्हें आप लोग कंठस्थ याद रख लीजिए। कई बार आपका स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है। मैं देख रहा था अभी क्वेश्चंस पेपर आपके सॉल्व करवा रहा था एमपीपीएससी के, तो एमपीपीएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मध्य प्रदेश की सीमा को कितने राज्य टच करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 5 राज्य इसकी सीमा से लगते हैं। आपके स्टेट पीसीएस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितने राज्यों से अपने से राज्य की सीमा लगती है। तो इन्हें आप लोग वैसे याद रखिए, कंठस्थ याद रख लीजिए। मुझे लगता है जिस तरह से आप कोई आरती या गाना रख लेते हैं ना, उसी तरह। इस अध्याय में भारत के राजनीतिक मानचित्र 1947 से 2017 को देखिए, और उनमें आपकी काफी परिवर्तन दिखाई देगा। राज्यों की सीमाएं नाम बदल गए हैं तथा राज्यों की संख्या में भी अंतर आ गया है। आजादी के समय अपने देश में अधिकांश प्रांत ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजों ने भारत प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किया था। फिर कुछ देशी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय हो गया और इन देशी रियासतों को प्रांतों से जोड़ दिया गया। इसे आप 1947 के मानचित्र में देख सकते हैं। तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं कई बार बदल चुकी हैं। इस अवधि में न केवल राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ, बल्कि कुछ राज्यों की जनता की इच्छा के अनुरूप उनके नाम भी बदल दिए गए। जैसे मैसूर का नाम कर्नाटक, मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया है। ये मानचित्र 70 वर्षों में हुए परिवर्तन को दिखाते हैं। एक तरह से ये नक्शे हमसे भारत में संघवाद के कामकाज की कहानी भी कहते हैं। उस समय समय पर आप लोग देखते होंगे कि बदलाव होते रहते हैं, इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोग एक न्यूज पेपर कम से कम फॉलो करिए। फिर हिंदी मीडियम के आप लोग तो
तो आप लोग लोगों को यही सलाह है कि आप लोग जनसत्ता या दैनिक जागरण इन दो न्यूज़पेपर में से एक फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई भी राष्ट्रीय संस्करण निकलता हो उसे भी आप लोग फॉलो करते रहिए, क्योंकि करंट के बिना मुझे नहीं लगता है कि स्टेट पीसीएस या आप सिविल सर्विस में कुछ उखाड़ पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है करंट अफेयर्स, तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि आप लोग राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी और पीआईबी, इनको भी आप लोग फॉलो करते रहा करिए। ठीक है, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी होगी। कौन कौन सी बातें? संघवाद आखिर क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोग जान सकेंगे। भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या है, भारत में संविधान में जो भी संघीय व्यवस्था है उसके बारे में भी आप लोग बड़े विस्तार से जान पाएंगे। केंद्र व राज्यों के संबंध से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, जो भी विवाद हैं, उनके बारे में भी आप लोग जान पाएंगे। विशेष किस्म की बनावट और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रावधान क्या होते हैं, उन्हें भी आप लोग जान पाएंगे। आप देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर को भी तो एक तरह से विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, एक स्पेशल पावर मिली हुई थी 300 आर्टिकल 370 के तहत। आपने देखा है 2019 में उसे खत्म कर दिया गया है एक तरह से, तो उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो आप समझिए एक तरह से अभी 371 आप सुनते रहते हैं, उसमें पूर्वी भारत के जो राज्य हैं एक तरह से उन्हें भी तो स्पेशल पावर मिली हुई है कुछ, तो उसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसे देखिए आप लोग, ये भारत का 1947 का मानचित्र है। ठीक है, ये आपको जम्मू कश्मीर हो गया, ये पंजाब हो गया राजपूताना, ये राजस्थान और गुजरात का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? राजपूताना। देखिए ये क्या हुआ करता था कि इनका राज हुआ करता था राजपूतों का, उन्हीं के नाम पर एक तरह से इसे क्या कह देते, राजपूताना। और पाकिस्तान ये आपका पड़ोसी है, दोस्त है आपका, एक संयुक्त प्रांत हो गया, उत्तर प्रदेश आ जाता था, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत में आप मध्य प्रदेश को भी देखते थे, बिहार हो गया, चंद्रनगर हो गया, ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। पहले याद रखिए बांग्लादेश को आप लोग पश्चिमी क्या कहते थे, माफ करिए पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, पश्चिमी ये था और पूर्वी ये था। फिर आपने देखा है 1971 में ये युद्ध हुआ और एक नया देश बांग्लादेश बन गया था, इंदिरा गांधी के समय की बात है। इस तरफ असम देखेंगे आप लोग, ये उड़ीसा है, उसके बाद देखेंगे हैदराबाद, गुजरात, बंबई, मैसूर, मद्रास, तेवनपुर, ये पौंडीचेरी है, कराईकल और लक्षद्वीप, गोवा, दीव दमन, दादरा और नगर हवेली, जूनागढ़। जो आपने देखा होगा कि नया मानचित्र पाकिस्तान ने अभी जारी किया हुआ था, उसमें उन्हें उसने क्या किया कि जूनागढ़ को अपना हिस्सा बताया, तो ये इसकी बात कर रहा हूं, जूनागढ़ यहाँ हुआ करता था। ठीक है, या नाम ये फ्रांस की यहाँ कुछ कॉलोनी बसी हुई थी। ठीक है, तो इन्हें आप लोग देखिए ये क्या है, 1947 का भारत संघ की प्रांत है। ठीक है, 1947 की कहानी बता रहा हूं। फिर आप देखेंगे इन्हें देखिए आप लोग, ये नया है लेकिन याद रखिए 2019 में जो बंटवारा हुआ है, जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया है, इसमें नहीं दिखाया गया है, तो मुझे लगता है कि अभी जो मैंने देखा है वो आपके लिए काफी है। ठीक है, फिर भी आप लोगों को देखना है तो देखते रहिए आप लोग। और वैसे याद रखिए मैप्स के सहारा लेकर आप लोग पढ़ा करिएगा, बहुत अच्छा आप लोगों को मुझे लगता है कि कवर कर पाएंगे आप लोग। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग वर्ल्ड मैप्स को पूरा कवर किया हुआ है, मुझे लगता है कि विश्व का जो भूगोल है उसे 70 से 75% हम लोग कवर कर चुके हैं। आपने देखा है कि सभी देशों के बारे में आप लोगों ने विस्तार से जाना है, कहाँ कौन सी झील है, कहाँ कौन सा महासागर के बारे में, कहाँ कौन सी नदी बहती है, कौन से पर्वत हैं, कौन सी चोटियां हैं, सब उसके बारे में विस्तार से बात की हुई है। तो मैप्स का सहारा लेकर क्या रहता है कि याद रहता है। अब जैसे आपको बता दिया कि यहाँ गुजरात है तो कम से कम आपको याद तो रहेगा, या फिर मध्य प्रदेश के बारे में बता दिया मैंने कि इनकी 5 राज्यों से सीमा लगती है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपके दिमाग में आए, पूछा किसी ने कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, आपके आपका ध्यान मैप में जाएगा और आप कहेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। पहले छत्तीसगढ़ क्या हुआ करता था कि मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आप जानते हैं कि सन 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था मध्य प्रदेश से। ठीक है, याद रखिए। और अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो आपका पड़ोसी श्रीलंका भी है, यहाँ बांग्लादेश को देखते हैं, इस तरफ आप म्यांमार को देखते हैं, ये भूटान है, ये नेपाल है, ऊपर चीन, तिब्बत है और पाकिस्तान, और यहाँ आप देखेंगे अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान से भी हमारी सीमा लगती है पीओके वाले हिस्से की। ठीक है, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। अब बात आती है कि संघवाद आखिर है क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना कि संघवाद आखिर होता क्या है। इससे डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लेता है, लिखित परीक्षा में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था और पर 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बट गया है, और इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया।
सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहां शक्तियों का जमाव और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां थी। और इसके अलावा उज्बेकिस्तान जैसे विभिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्रों पर रूस के आधिपत्य में ने भी विघटन को बढ़ावा दिया। कुछ अन्य राज्यों जैसे स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पाकिस्तान को भी अपने देश का विभाजन देखना पड़ा। कनाडा में भी अंग्रेजी भाषी और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ गई। भारत के लिए क्या यह महान उपलब्धि नहीं कि 1947 के दुखद विभाजन और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले 6 दशकों से वह अपना अखंड तथा स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए है। आखिर इस उपलब्धि का आधार क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि इसकी काफी कुछ श्रेय भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था को जाता है? एक बात आप लोग समझिए, आप रसिया जिसे कहते हैं ना, पहले रसिया कई देशों का समूह हुआ करता था। एक तरह आप देखते थे कि शीत युद्ध दो शक्तियों के बीच चल रहा था। एक तरफ क्या था, रूस था, और दूसरी तरफ अमेरिका। एक तरह से आप समझिए आज एनडीए किसे कहते थे आप लोग, बीजेपी, और बीजेपी के जो घटक दल है उन्हें आप लोग एनडीए कह देते हैं। यूपीए किसे कह देते हैं, कांग्रेस, और उसके जो भी सहयोगी दल हैं उन्हें आप लोग यूपीए कह देते हैं एक तरह से। तो इसी तरह रसिया, रसिया में भी कुछ देश शामिल थे उसके सहयोगी, और दूसरी तरफ आपके थे अमेरिका। दोनों के बीच कई सालों तक आप देखते हैं शीत युद्ध चलता रहा। फिर 1989-90 में इसका विघटन हो गया और रसिया से कई देश अलग हो गए। उसके बाद आपका शीत युद्ध भी खत्म हो गया। और एक बात आपको माननी होगी, आपने देखा है कि दुनिया में उठक पटक चलती रही है आजादी के बाद से, उनके देश की आजादी मिलने के बाद से भी उठक पटक चलती रही है। लेकिन हमारे देश में आपने देखा है कि जब से हमारा 1947 से शुरू हुआ है आजादी का समय, तब से हमारे देश में ज्यादा उठा पटक आपको नहीं देखने को मिली। हमारी सरकारों के बीच उठा पटक देखने को मिलती रही, लेकिन किसी देश के किसी भाग में आपको ज्यादा कुछ हाव हाव देखने को नहीं मिला होगा। एक हम अपना श्रेय सबसे ज्यादा देते हैं संविधान को। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत लंबी, मतलब एक कई बहुत दूर की सोच रखी होगी। कैसे कह सकता हूं, इसलिए कह सकता हूं कि आपके देश में हिंदू मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, इससे ईसाई मिलेंगे, सिख मिलेंगे, आपको जैन भी मिलेंगे, बुद्ध भी मिलेंगे। आप समझिए विभिन्न जाता, मतलब जातियों में बटे हुए, समूहों में बटे हुए, कई भाषाओं में बोलने वाले बटे हुए हैं, फिर भी हम लोग एक हैं। हम लोगों में राष्ट्रवाद की अगर कोई जगाने का काम करता है तो मुझे लगता है कि संविधान हमारा राष्ट्रध्वज, हमारा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान है। समझ रहे हैं? बना आप सोचिए कि कहा गया 1947 में जब हम लोग आजाद हो रहे थे, तब कई देशों के द्वारा कहा गया, कई लोगों के द्वारा कहा गया कि भारत 2 से 4 साल में कई टुकड़ों में बट जाएगा। और ये हकीकत भी थी। क्यों हकीकत थी? क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि 564-63 रियासतें हमारे यहाँ हुआ करती थी, और सभी चाहते थे अलग अलग देश में हम लोग बटे। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद तो लास्ट तक एक तरह से संघर्ष करते रहे, लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर मुझे लगता है ये ना होते या इन्हें होम मिनिस्टर ना बनाया जाता, तो इस तरह से भारत आज जिस स्थिति में है मुझे नहीं लगता है कि संभव हो पाता। ऊपर जिन देशों का उल्लेख किया गया है वे संघीय राज्य थे, पर वे एकजुट ना रह सके। इससे लगता है कि संघीय संविधान अपनाने के साथ साथ संघीय व्यवस्था की प्रकृति और व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से आप कहिए कि हमारे यहाँ भी 28 राज्य, और 28 राज्य अलग अलग होने की बात करें तो हम भी कहेंगे, क्या कहेंगे, कि ये सभी राज्य एक थे पहले लेकिन अब एक ना रह सके। यहाँ भी कुछ पॉइंट है ऐसे भी आप लोग देखिए। वेस्ट इंडीज में संघवाद, आपने वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश भी है? भारत की ही तरह वेस्ट इंडीज भी अंग्रेजों का उपनिवेश था, यानी कि कहने का मतलब है कि अंग्रेजों का शासन था। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ, फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म हुआ। इसकी केंद्रीय सरकार कमजोर थी और प्रत्येक संघीय इकाई की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। इस वजह से और अन्य संघीय इकाइयों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में इस संघ को भंग कर दिया गया, और बाद में 1973 की चिगू आरामस संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने एक साझे संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और कैरिबियन समुदाय नामक साझा बाजार जैसी संयुक्त संस्थाओं का निर्माण किया, और कैरिबियन समुदाय की एक साझी कार्यपालिका भी है, और सदस्य देशों की सरकारों के प्रधान उस कार्यपालिका के सदस्य भी है। इस प्रकार वहां की इकाइयां ना तो एक देश के रूप में रह सकी और ना ही वे अलग अलग रह सकी, यानी कि
कि अभी कल उत्तर प्रदेश चाहे कि हमें अलग होना है तो अलग हो सकता है। आप देखते हैं समय समय पर मांग भी उठती रहती है, कई बार पूर्वी भारत में आप देखते हैं, दक्षिण भारत में भी देखते हैं, लेकिन देश से संघ से आपको टूटने की इजाजत नहीं है। कहने का मेरा मतलब यह है कि केंद्र सरकार हमारे यहाँ पावरफुल है, और ऐसा नहीं कि कोई राज्य कहे कि नहीं हमें तो पाकिस्तान में मिलना है, हमें चाइना में मिलना है, तो हम छोड़ देंगे उसे कि जाइए मिल लीजिए खुशी से। ऐसा नहीं है, हमारे बीच कोई समझौता नहीं है, संधि नहीं है, हमारे जबरदस्ती है, एक तरह से कह सकते हैं आप लोग कि हमारे राज्य हमारे, जो भी होगा हमारा होगा। भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं से भरा हुआ है, और दो यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी भाषाएं भी हैं। यहाँ अनेक धर्मों के मानने वाले लोग भी निवास करते हैं। देश के विभिन्न भागों में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं, जिन्हें आप लोग जनजाति भी कह देते हैं। इन विविधताओं के बावजूद हम एक साझी जमीन पर रहते हैं और हमारा एक साझा इतिहास है, खासकर उन दिनों का जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे बीच दूसरी कई समानताएं हैं, इसी कारण हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषित भी किया है। कभी कभार इसे विविधताओं के साथ एकता की संज्ञा भी दी जाती है। आप भी जानते हैं कि हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसे कहते हैं, कहा जाता है ऐसा कि पग पग धरे तो मतलब पानी बदले, और ऐसे ही सैकड़ों पर भाषाएं बदले। आप अपने उत्तर प्रदेश में जाइए या मध्य प्रदेश में जाइए, बिहार में जाइए, एक ही राज्य में आपको कई भाषाएं बोलने की मतलब देखने को मिल जाएंगी बोलते हुए लोग। आप देखते हैं बुंदेलखंड, अवधी, फिर आप जाते हैं आगे बघेलखंडी बोलने लगते हैं, और भी आगे आप कहीं भी जाते हैं भोजपुरी बोलने लग जाते हैं कई। ठीक है, मुझे लगता है कि भारत की कुछ धरती, भारत माता की गोद में कुछ तो बात है कि हमने देखा है, हमने आजादी की लड़ाई भी लड़ी है, हम लोगों ने साथ एक होकर लड़ी हुई है। और वो तो अच्छा है कि वो आप समझेंगे कि कुछ लोगों की अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान का अलग से निर्माण हुआ, अलग से स्था उसे हटा दिया गया या हट गया, वरना आप सोचिए हम भी आज एक ही होते। आप समझिए, हिंदू गलत नहीं है, मुस्लिम गलत नहीं है, ना ही आप सिख, ईसाई, बौद्ध, कोई जैन धर्म, कोई धर्म बुरा नहीं है, और धर्म ना तो किसी से लड़ना सिखाता है। वो तो क्या है कि इन नेताओं का कुछ अपना स्वार्थ रहता है, जैसे आप जिन्ना साहब की समझिए या फिर आप कांग्रेस की समझिए, उस समय की राजनीति। एक कई बार आपके क्वेश्चंस पूछ भी लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो कई एक तरह से लेखक कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि इसके लिए जिन्ना जिम्मेदार है। पाकिस्तानी जो लेखक हैं या इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि जिन्ना नहीं जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है। एक तरह से आप समझिए दोनों के हित थे उसमें। जिन्ना को लग रहा था कि हमारी राजनीति का क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार बनी तो कांग्रेस के पास पर्याप्त बहुमत था, उसने मुस्लिम लीग को कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया, तो यहाँ कांग्रेस की भी गलती दिखाई देती। अब आप समझिए आज की बात आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए कि एनडीए के पास पूरा बहुमत, एनडीए मतलब बीजेपी, और बीजेपी के पास बहुमत है, तो बीजेपी क्या करेगी, अपने सहयोगी जो भी दल है उन्हें छोड़ दे, तो वो तो अलग हो ही जाएंगे। जब उनका कोई महत्व नहीं रहे, उनके सम्मान ना रहे, तो वो तो अलग होना स्वाभाविक सी बात है। तो यही उस समय की बहुत लंबी कहानी है, कभी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। संघवाद में कोई एक निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते हैं जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू लागू हो। शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है, और संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन वह जर्मनी भारतीय संघवाद से भिन्न है। फिर भी संघवाद की कुछ मूल अवधारणाएं और विचार अवश्य हैं। याद रखिए क्या है कि अमेरिका में आप देखेंगे राज्यों के पास अधिक शक्ति शक्ति है एक तरह से, और हमारे यहाँ देखते हैं आप लोग कि राज्यों के पास कम शक्ति है और केंद्र के पास अधिक शक्ति होती है। मैं समझ गई कि यह हमारी स्कूल की तरह है, मेरी पहचान 9 या फिर 12वीं या ऐसी ही किसी कक्षा की, और हमारे बीच अलग अलग फैसलों को लेकर होड़ चलती रहती है, लेकिन हम सब एक ही स्कूल के छात्र हैं, और हमें इसका गर्व भी है। निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर पर होती है, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार। प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र में स्वायत्त होता होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पर भारत में एक ही नागरिकता है। आप लोग अमेरिका में देखते हैं कि उनके राज्य की अलग होती है और आपकी केंद्र की, वहां केंद्र जो अमेरिका की अलग होती है, लेकिन हमारे देश में आप देखने को मिलेगा राज्य की कोई नागरिकता नहीं है। आप समझ रहे हैं, एक तरह से आप भारतीय नागरिक कहलाते हैं, ना कि उत्तर प्रदेश के नागरिक कहलाते हैं आप लोग, ना कि मध्य प्रदेश के नागरिक कहलाते हैं आप लोग। तो इसे भी आप लोग याद रखिए।
इस प्रकार लोगों की धुरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं, वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होते हैं। जैसे हम में से कोई गुजराती या झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है। प्रत्येक स्तर के राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियां उत्तरदायित्व होते हैं और वहाँ एक अलग अलग सरकार भी होती है। देखिए, गुजराती या आप लोग मध्य प्रदेशी कोई महाराष्ट्री कहला सकता है, लेकिन नागरिकता के बारे में एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिकता मिलती है आपको। ठीक है, दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। यह संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी होता है। राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार का होता है। क्षेत्रीय स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय सरकारें जवाबदेह होती हैं। एक बात आप लोग देखिए, सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका के द्वारा लिखा गया है, लेकिन आप कहेंगे सबसे बड़ा लिखित संविधान तो भारत का है। भारत में आप देखे होंगे कि 3 सूचियां आप लोगों ने सुना होगा, केंद्रीय संघ सूची, फिर आप संवर्ती सूची, राज्य सूची। आप देखते हैं संघ सूची पर संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार कानून बनाती है, संवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी हो केंद्र सरकार भी। लेकिन अगर दोनों में विवाद होता है तो किसका, केंद्र सरकार का एक तरह से कानून प्रभावी रहता है, शक्तिशाली रहता है, और राज्य जो सूची का विषय है उस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। तो इन 3 सूचियों के हिसाब से आपने देखा होगा इन दोनों के बीच बंटवारा रहता है। वरना आप सोचिए कि हमारी भी वही स्थिति होती कि बंटवारे की स्थिति में हम लोग पहुंच चुके होते कि राज्यों को भी कुछ अधिकार हम लोगों ने दिए हैं, लेकिन इतने भी अधिकार नहीं दिए हुए कि एक तरह से अलग हो जाए। इसे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि एक परिवार को आप लोग लीजिए, मान लीजिए एक पिताजी है, माताजी है, आपके 4 बच्चे भी हैं उस घर में, तो आपने देखा होगा कुछ कुछ आजादी उन्हें दी जाती है काम करने की, चलिए आप लोग घूमिए, आप पढ़िए, आप ऐसा करिए ऐसा करिए, लेकिन इतनी भी आजादी नहीं दी जाती है पिताजी के द्वारा कि वो बच्चे अलग हो जाएं। तो इसी तरह से हमारे देश की स्थिति आप यही समझ सकते हैं कि हम लोगों ने राज्यों की ध्यान रखा है, तो राज्यों के सम्मान का भी ध्यान रखा है, राज्यों के हितों का भी ध्यान रखा है, लेकिन हम लोगों ने इतनी आजादी उन्हें नहीं दी कि वो कह दें कि हमें अलग होना है। तो एक परिवार की तरह हमारा भारत भी है। इसकी दूसरी तरफ आप जाएंगे अमेरिका में ये शक्ति है राज्यों के पास कि वो राज्य अलग हो सकते हैं, और समय समय पर आप देखते हैं कई राज्य अलग होने की बात भी करते रहते हैं। ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है जो संघर्षों का समाधान करती है, और न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्यों की भी शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानून विवादों को हल करने का अधिकार भी है। आपने कल न्यायपालिका के बारे में पढ़ा था ना, पिछली क्लास में आप लोगों ने न्यायपालिका के बारे में पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने यह भी सुना था कि जब भी कोई विवाद होता है, फिर चाहे आपका राष्ट्रपति चुनाव का हो, प्रधानमंत्री चुनाव का हो, या किसी भी चुनाव का हो, फिर या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के बीच का हो, तो उसमें आपका हस्तक्षेप कौन करता है, न्यायपालिका। न्यायपालिका एक तरह से आपके ये स्वतंत्र निकाय है कि वो एक तरह से किसी राज्य को, मान लीजिए लगता है कि उसके जो भी अधिकार उसे मिले हुए थे उसका हनन हो रहा है, तो वो न्यायपालिका जा सकती है, न्यायालय में जा सकती है, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए भी हमारी काफी व्यवस्था टकराव को रोकने के लिए, इन दोनों केंद्र सरकार और राज्यों में रोकने के लिए न्यायपालिका भी बनाई गई। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा संघवाद बहुत मजबूत है। अभी आप सोचिए कि केंद्र सरकार कभी भी किसी भी तरह का हनन करता रहता है राज्य की शक्तियों का, तो आप सोचिए राज्य कल एक तरह से अलग होने की बात करने लगते कि हमें नहीं रहना है यहाँ। ठीक है, संघवाद की वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीति, संस्कृति और विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। आपसी विश्वास, सहयोग और सम्मान और संयम की संस्कृति हो तो संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी यह तय होता है कि संविधान किस रास्ते चलेगा। यदि कोई एक इकाई प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयां या लोग नहीं है उनमें विरोध पनपता है, और इस स्थिति में नाराज इकाइयां अपने अलग होने की मांग उठा सकती हैं। नौबत गृह युद्ध तक की आ सकती है। बहुत से देशों में को इस अनुभव से गुजरना भी पड़ा है। मैं बता रहा हूं, कभी भी आप लोग कोई भी टॉपिक लिए हुए तो आप लोग आसपास की अपनी परिस्थिति से जोड़ने की कोशिश किया करिएगा। अब मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि आप अपने परिवार को एक जगह रख के देखिए, इस जगह एक परिवार को देखेंगे आप लोग की, जब घर में अच्छी तरह से आजादी ना मिली हुई तो गृह युद्ध छिड़ जाता है। गृह युद्ध का मतलब है कि परिवार में युद्ध होने लगता है, युद्ध होने का मतलब लड़ाई होने लगती है, और लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है कि अलग होने का। 4 भाई हैं तो चारों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं।
तो यही भारत का रहता है। अगर समान उनके हित ना हो, समान संस्कृति ना हो, समान उनके विचार ना हो, तो परिवार जिस तरह से अलग हो जाता है, उसी तरह से देश देश में भी कई बंटवारे हो जाते हैं। और परिवार आप देखते हैं कि तब तक चलता रहता है जब तक कि सबके हित एक हो, सबकी बातों का ध्यान रखा जा रहा हो, सब एक मिलकर रह रहे हो। ठीक है, हाँ मुझे याद है कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि संविधान ही फैसला करता है कि किसको कितनी शक्तियां मिलनी चाहिए। और हम इतना कहेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत दूर का सोच के एक तरह से संविधान का निर्माण किया हुआ है। उनकी सोच बहुत लंबी थी, मुझे लगता है कि आजकल के लोगों की इतनी लंबी सोच मैं नहीं कह सकता हूँ। आप सोचिए, उन्होंने सोचा होगा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच लड़ाई भी होगी, अधिकार को लेकर भी लड़ाई होगी, इसके लिए एक एक तरह से आपका न्यायालय भी की जरूरत भी पड़ेगी, फिर चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग की जरूरत पड़ेगी, वित्त के क्षेत्र में यानी कि पैसे के मामले को लेकर भी लड़ाई होगी, तो उसके लिए वित्त मंत्रालय बनाया गया। आप समझ सकते हैं कि क्या सोच रही होगी उनकी। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग नाइजीरिया में संघवाद की अगर बात करें हम लोग, यदि किसी देश के विभिन्न क्षेत्र और समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो वहां संघीय व्यवस्था भी एकता लाने में असफल होगी। इसे आप लोग नाइजीरिया के उदाहरण से समझा जा सकता है। 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के दो उपनिवेश थे। 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया है। और नाइजीरिया की तीन बड़ी जातीयता और इरूबा इबो और हाउसा फुलानी है। इनके नियंत्रण में क्रमशः देश के तीन क्षेत्र पश्चिम, पूर्व और उत्तर थे। इन क्षेत्रों पर इनका अपना अपना नियंत्रण था और इनके द्वारा अन्य क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास से भय और संघर्ष का माहौल बना और इससे वहां एक सैनिक शासन की व्यवस्था हुई। और 1960 के संविधान में केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से नाइजीरिया की पुलिस का नियंत्रण करती थी। 1979 में सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। हालांकि 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई, लेकिन धार्मिक विभेद बने रहे। नाइजीरियाई संघ के सामने यह समस्या भी बनी रही कि तेल संसाधनों से प्राप्त राजस्व पर किसका नियंत्रण हो। इस प्रकार नाइजीरिया की विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक, जातीय और आर्थिक मतभेद बरकरार है। आप लोग जब संविधान की हमारी प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें आपको बड़ा सब कुछ मालूम चल जाएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे संविधान का आपका निष्कर्ष लिखा गया है कि धर्म निरपेक्षता। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं कि आप सोचें कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कोई सरकार किसी के धर्म को, हिंदू धर्म को ऊपर उठाने लगे या दूसरे धर्म को नीचे गिराने लगे। तब भी आप देखेंगे एकता में, मतलब हमारे जो देश में जो भी राष्ट्रवाद बना हुआ है, एकता जो कायम है, ये भंग हो सकती है। तो आप देखते होंगे कि राज्य सरकारों या केंद्र सरकार के पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं है कि वो किसी के धर्म को ऊपर उठाए, किसी के धर्म को नीचे गिराए। समझ रहे हैं आप लोग? तब आप जाकर देखेंगे कि फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगर उसके साथ गलत होता है, उसे लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है या हाई कोर्ट जाता है। और उसे पूरा भरोसा भी रहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक तरह से निष्पक्ष निर्णय देगा, किसी के पक्ष में नहीं निर्णय देगा, बीच का रास्ता चुनेगा। इसे समय समय पर आप लोग देख भी सकते हैं। आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा क्या, राम मंदिर का मुद्दा से चला आ रहा है, काफी सालों से राजनेताओं की रोटियां भी सिकती आ रही हैं, लेकिन हाल ही में कितना अच्छा निर्णय दिया उसका। मुस्लिमों ने भी पालन किया और हिंदुओं ने भी पालन किया कि राम मंदिर आप वहां बना लीजिए और आपकी मस्जिद के लिए मैं उससे ज्यादा जमीन दूसरी जगह दे देता हूं। और उन्होंने बना मान भी लिया उस बात को, और ये हकीकत है, दोनों देश के नागरिक हैं दोनों समूह, तो आप वहां कर लीजिए। बस इतनी सी लड़ाई थी, इतने पर आप देखिए कितना खून खराबा हुआ। वो पहले मुझे लगता है निपट जाना चाहिए था, हमारा देश और आगे बढ़ता। वो मुझे लगता है कि आप जो भी कहें, देखिए इस हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में और इस तरह की धार्मिक भावनाओं के मुद्दे में राजनीतिक रोटियां तो सिक जाती हैं, लेकिन देश हमारा पीछे चला जाता है। मुझे लगता है इसीलिए आपने देखा है कि निष्पक्ष कई संस्थाएं बनाई गई हैं, आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, वो इसी को ध्यान में रखते हुए बनाए हो गए होंगे। ठीक है, कि वो किसी का पक्ष ना ले, बीच का रास्ता चुने, उनका निष्पक्ष एक तरह से निर्णय दें। अब आप कहां पहुंची, वो क्या समझे अभी तक? एक संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार की शक्तियां कौन तय करता है और संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच टकराव का समाधान कैसे होता है? तो आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया संविधान में, और आप जानते हैं इनके बीच अगर कोई लड़ाई होती है, कोई टकराव होता है, तो उसके लिए आपका न्यायपालिका आपके लिए पास है। आप देखते हैं कि राज्य में, आप देखते हैं राज्य में आप क्या देखते हैं, हाई कोर्ट, और आप लोग सुप्रीम कोर्ट,
ऊपर भी देखते हैं उससे ऊपर, ठीक है। भारतीय संविधान में संघवाद की अगर बात करें हम लोग, तो आजादी से पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक नेता इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश में पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बांटना जरूरी भी होगा। उन्हें यह भी भान था कि भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधताएं हैं और इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता थी। विभिन्न क्षेत्रों और भाषा भाषी लोगों को सत्ता में सहभागिता करनी थी और तथा इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए था। अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की थी तो इन बातों को लागू करना अपरिहार्य था। और एक बात और आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कि 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, लेकिन गांधी जी अगर 2 साल 3 साल और जीते तो मैं कहता हूं जो पंचायतों को आपका संविधान में जगह मिली हुई है जो 72-73वें संविधान संशोधन द्वारा, वो आपकी उसी समय मिल जाती, उसी समय पंचायतों को इस तरह से संविधान में जगह मिल जाती। और आप समझिए इसलिए बंटवारे की बात की गई है। आपका लोकसभा सदस्य है, विधानसभा सदस्य है और आपकी सरपंच है। आप समझेंगे कि लोकसभा सदस्य को सभी जानकारियां आपके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में मुश्किल से मालूम होगा, लेकिन आपकी सरपंच को इसलिए व्यवस्थाएं दी गई हैं, कुछ शक्तियां दी गई हैं कि वो सभी समस्याओं को इकट्ठा करे, विधायक साहब के पास पहुंचाए। विधायक साहब से अगर उस समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वो लोकसभा सदस्य के पास पहुंचाए, वो संसद में उस समस्याओं को रखेगा। इसलिए पूरी व्यवस्था की गई सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए कि गरीब के साथ कहां क्या हो रहा है, उसे अपने अधिकारों मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये सभी सरपंच का काम होता है। लेकिन एक खैर छोड़िए, ये अलग बात है कि सरपंच अपना ही विकास करता रहता है और जनता छूट जाती है एक तरह से, ये अलग बात है, उनका उस पर हम लोग नहीं जानना चाहेंगे, ठीक है। और सभी के हितों को ध्यान में रखा गया है इसलिए हम लोग एक हैं, वरना हकीकत हो जाता कई टुकड़ों में हम लोग बट जाते। प्रश्न केवल यह था कि क्षेत्रीय सरकारों को कितना अधिकार प्रदान किया जाए। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विभाजन के पूर्व एक समझौता फार्मूले पर चर्चा हुई थी और जिसके अनुसार क्षेत्रीय सरकारों को काफी ज्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव आया, पर भारत के विभाजन का निर्णय होने पर संविधान सभा ने ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता और राज्यों के लिए अलग अलग अधिकारों अधिकार के सिद्धांत पर आधारित हो। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होगा। इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ ही संविधान एकता पर बल देता है। आप समझिए अगर मुस्लिम लीग की हम लोग बात मान लेते हैं तो आपने देखा होगा कई राज्य कहते हैं कि हमें अलग होना है, देश से अलग होना है, तो उन्हें कुछ शक्तियां दे दी जाती हैं, उन्हें स्पेशल कुछ विशेष राज्य का दर्जा दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते हम लोग कि राज्य भारत से अलग हो कि आप एक नया देश बना लीजिए। आप लोग समझ रहे हैं आप लोग कि केंद्र के पास शक्तियों का बंटवारा तो है लेकिन जो मैन पावर है वो केंद्र के पास है। किसके पास है? सेंट्रल के पास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि राज्यों को सब कुछ दे दिया जाता हो रहा है और देते रहेंगे। अब आप सोचिए लड़ाई घर में किस पर होती है, पैसे को लेकर या किसी काम को लेकर? आप सोचिए उसके लिए माता पिता ने एक संगठन बना दिया कि आपके पैसे का रख रखाव ये व्यक्ति करेगा और ये निष्पक्ष रहेगा। इसी तरह हमारे संविधान में भी आप देखने को मिलता है कि केंद्र और राज्य के बीच पैसे को जो लेकर बंटवारा होगा उस पर लड़ाई होगी, तो उनके लिए एक तरह से संविधान में बनाया है ना आपका वित्त आयोग। मान लीजिए सरकारों के बीच अगर चुनाव हो रहे हैं तो उस समय भी लड़ाई होगी, तो उसके लिए क्या बनाया है? चुनाव आयोग बना दिया गया। अगर यहां भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो ऊपर आपके पास एक न्यायालय भी बनाया गया, वहां जाकर भी तो आप अपने निर्णय जो भी है समस्या उसे बता सकते हैं ना। तो पूरी व्यवस्था की गई है, किसी को कभी नहीं लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अगर उसके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो जाए ना सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट कहीं भी जाए, आपको भरोसा रहता है ना कि आपके साथ अगर किसी ने गलत किया है, किसी ने मारपीट की है, तो आप जाते हैं ना न्यायालय, वहां आपको निर्णय भी मतलब आपके साथ न्याय भी किया जाता है। आखिरकार साथ रहने का उद्देश्य यही होना, यही तो होना चाहिए कि हम सब खुश रहें और एक दूसरे को खुश रखें। मुझे लगता है कि इसमें संघवाद में आपका परिवार बहुत अच्छा उदाहरण फिट बैठता है कि परिवार की जगह यानी कि फैमिली की जगह आप लोग इसे अच्छी फैमिली को रखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि भारत के संविधान में के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि हिंदी भाषा में फेडरेशन यूनियन दोनों के लिए ही संघ का प्रयोग होता है, लेकिन संविधान भारत का वर्णन इन शब्दों में करता है। देखिए फेडरेशन आप समझिए, मैंने कई बार इसको बताया भी है कि कई शब्द ऐसे होते हैं कि अंग्रेजी में अलग उनका अर्थ निकलता है लेकिन हिंदी में उनके लिए एक ही शब्द उपयोग होता है। इसीलिए कहता हूं कि जब भी आंसर आप लोग लिख रहे हो
या फिर आप लोग प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, तो एक बार उसका इंग्लिश वाला क्वेश्चंस पढ़ लिया करिएगा जरूर, क्योंकि कई बार आपका हिंदी में रूपांतरण करते या जो भी उसका जो भी करते हैं इस तरह की, उन्हें बदलते हैं भाषा में ट्रांसलेटर, जो भी, तो उनसे गलतियां हो जाती हैं या फिर उनका हिंदी में अलग ही अर्थ निकलने लगता है। तो एक बार आप लोग देखते रहा करिएगा, मुझे लगता है इंग्लिश आप लोगों की इतनी तो होगी कि आप लोग इतना तो समझते होंगे। और एक पेपर भी तो क्वालिफाई होता है, तो अनिवार्य है वो पेपर देना। जब तक उस पेपर में नहीं निकलेंगे आप लोग कहाँ होगा कुछ उखड़ने वाला। तो आप लोग देखते रहिए। अनुच्छेद एक क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन होगा। तो राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिए गए हैं। यानी कि कहने मतलब कि राज्य भारत संघ में मिले हुए हैं, अलग अलग नहीं है, ठीक है, एक है, ये अनुच्छेद एक में कहा गया है। और अनुच्छेद दो में आपका राज्य उनके राज्य क्षेत्रों वे होंगे जो पहली अनुसूची में इनका वर्णन जो भी किया गया है, ठीक है। इसीलिए आप सोचते हैं कि कोई नया राज्य बनाने की बात आती है, सीमाओं के गठन की बात आती है, तब कहते हैं हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि अनुसूची एक में हमें बदलाव करना पड़ेगा, तो वो भी समय समय पर उठते रहते हैं। देखिए अनुच्छेद के बारे में आप लोग परेशान मत हुआ करिएगा। अगर आपको लगता है कि अनुच्छेद ही आपको याद रहना चाहिए, तो मुझे लगता है वनडे एग्जाम की तैयारी आपको करना चाहिए था, और आपको लूसेंट लेकर उठा के पढ़ लेना चाहिए था ऑनलाइनर में। यहाँ आप लोग को मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं आपके अंदर मतलब पूरा एक तरह से फीड किया जा रहा है सभी जानकारी। बाद में आप लोग जब भी पॉलिटी की स्पेशल कोई वर्क्स पढ़ेंगे, एम लक्ष्मीकांत हो गई, तब आपको मालूम चल जाएगा ना कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया। कई बार मैं इस तरह की क्लास में भी ले लेता हूँ कि पूरे आपके आर्टिकल बता देता हूँ कि इस आर्टिकल में ये कहा गया, इस आर्टिकल में ये कहा गया। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हुआ करिएगा। मुझे लगता है कि सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो इस ओर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब भी सब कुछ पढ़ लेते हैं तो आपको आर्टिकल लगभग याद हो जाते हैं सब, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे लगता है। अगर हम लोग बात करें शक्ति विभाजन की, इन दोनों या सबके बीच शक्तियों का विभाजन क्या है, तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसे पढ़िए फिर चलते हैं। मुझे लगता है विदेशों के पास बहुत कम धन रहता है, कैसे चलाते होंगे। यह तो बिल्कुल उन परिवारों जैसा मामला है जहाँ रुपए पैसे तो पति के हाथ में रहते हैं, घर पत्नी को चलाना पड़ता है। आप उन्हें दो तरह बात मानी गई, सरकार या फिर आप लोग केंद्र सरकार कह देते हैं, प्रत्येक राज्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हो गई, ठीक है, इसी की बात कर रहा हूं मैं। ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इनके स्पष्ट यदि कभी यह विवाद हो जाए तो कि कौन सी शक्तियां केंद्र के पास हैं और कौन सी राज्य के पास हैं, तो इसका निर्णय का संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करेगी। यानी तो न्यायपालिका बैठी हुई है, वो एक तरह से संविधान का सा... कि संविधान ने आर्थिक वित्तीय शक्तियां केंद्रीय सरकार के हाथ में सौंपी है। कुछ भी दिया जाता रहता है, ठीक है, आप देखते हैं कि होता है का गठन भी होता रहता है। यहां भारत का अगर संविधान की बात करें तो इसमें संघ सूची की बात करें तो यानी कि केंद्र सरकार के पास क्या क्या है, पिति रक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक, तार, वायुसेना, बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा, इनमें कानून बना सकती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि आप सोचिए अगर राज्यों को भी विदेशी मामले दे दिए जाते, या फिर आप कहिए कि युद्ध और शांति के मामले एक तरह से राज्य सरकारों को दे दिए जाते, तो बड़ा टकराव देखने को मिलता। आप समझ रहे हैं, मालूम चला कि उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है, या आप देखें कि कोई और राज्य किसी देश से, हमारे दुश्मन देश से भी अपनी संबंध बना रहा है। तो इसके लिए अलग अलग बांटे गए हैं। वही राज्य सूची में आप देखेंगे तो इसमें शामिल है कृषि, पुलिस,
जेलखाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य, व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा। आमतौर पर इन विषयों पर सिर्फ प्रांतीय विधायिकाई कानून बना सकती है। अगर राज्यसभा अगर एक तरह से प्रस्ताव पास करे तो केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकती है, या किसी आपात स्थिति में केंद्र सरकार इस तरह के कानून बना सकती है। एक बात और आपको यहाँ बता दूं, आप लोग देखते होंगे कई बार क्वेश्चंस आपके इस तरह की प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लेता है कि ये विषय किस किस सूची के तहत आते हैं, राज्य सूची की या संघ सूची के, या फिर आप आंसर लिख रहे हो, जब उत्तर लिख रहे हो तब भी इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब इस तरह के पॉइंट डालने पड़ते हैं आपको। और समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें शामिल विषय है शिक्षा, कृषि, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन, मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, गोद लेना और उत्तराधिकार। केंद्र और प्रांत दोनों ही विधायिका इन मामलों पर कानून बना सकती है। संवर्ती सूची में जो भी आपके विषय शामिल है उन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन याद रखिए केंद्र सरकार का कानून प्रभावी रहता है, यानी कि शक्तिशाली रहता है। अगर दोनों में टकराव है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, ठीक है, याद रखिए इसे भी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। और अवशिष्ट शक्तियां जो है एक केंद्र के पास रहती है, याद रखिए अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है कि कोई नया मुद्दा उभर के आया उसे कहां डाल दें, तो अवशिष्ट शक्तियों में डाल देते हैं उसे। अब है आपका सशक्त केंद्र सरकार और संघवाद, कहने का मतलब है कि शक्तिशाली केंद्र सरकार और संघवाद। अमूमन ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई है। भारत की एक महाद्वीप की तरह विशाल था तथा अनेकानेक विविधताओं और सामाजिक समस्याओं से भरा है। संविधान निर्माताओं की मान्यता थी कि हमें एक संघीय संविधान चाहिए जो इन विविधताओं को समेट सके, पर वे एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना भी करना चाहते हैं जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सके और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ला सके। स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियां आवश्यक थी क्योंकि उस समय देश में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कुछ प्रांत थे बल्कि 500 से ज्यादा देशी रियासतें भी थी जिनका या तो पुराने प्रांतों में विलय या नए प्रांतों के रूप में गठन होना था। मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि आप समझिए अगर केंद्र सरकार के पास इतनी शक्ति ना होती और अमेरिका जैसी हालत हमारी भी होती, तो आप समझिए जो 500 से अधिक रियासतें हमारे यहाँ हुआ करती थी वो सभी अलग अलग देश होते। आज जो आप 28 राज्य देख रहे हैं ना, इसमें आप सोचिए कि 563, 64, 65 देश हुआ करते। मान लीजिए आपको अगर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में बिहार जाना है तो आपको वीजा लेने की जरूरत पड़ती कि हम, और क्या कहते आप लोग, कि हम कहते कि वो हम दिल्ली से जा रहे हैं तो कहते कि हम उत्तर प्रदेश देश में गए, मध्य प्रदेश देश हुआ है, महाराष्ट्र देश में भी घूम के आया हूँ। तो इस तरह के आपको कई देश देखने को मिल जाते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक तरह से केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं और राज्यों को कम उस समय शक्तियां दी गई हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है, ऐसा इतिहास में कई जगह आप लोग देखते भी होंगे, कहा जाता है कि वो एक गाजर लेके जाते थे और एक हाथ में डंडा लेके जाते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहा हूं, वो कहते थे कि जो खाना पसंद आपको करिए, आप पसंद करिए। वो कहते थे कि सुबह जब कोई राजा हुआ और वो घूमने गया, सरदार वल्लभ पटेल भी साथ में जाते थे, और जब मालूम चला कि वो लौट के आए तो एक तरह से उन्होंने कहा कि हाँ भारत में मिलने के लिए हम तैयार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना आसान भी नहीं रहा होगा, कोई हाथ जोड़कर तो भारत में सम्मिलित नहीं हुआ होगा, इसके लिए बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा, बहुत कुछ करना पड़ा होगा। तो इसके लिए करने के लिए अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे ना, वो एक तरह से डॉन भी कहे जा सकते हैं आप, कहिए कि आप भी तो देखते हैं एक, मतलब आप कहीं चुनाव लड़ते हैं तो कई लोग होते हैं जो हाथ जोड़ने से वोट दे देते हैं आपको, और कई लोग आप देखते हैं गुंडागर्दी से वोट देते हैं। तो वही हाल रहा होगा, मुझे लगता है इसीलिए नेहरू की मंत्रिमंडल में जो होम मिनिस्ट्री का पद था, गृह मंत्रालय था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। और ये सभी लोग जानते होंगे कि उस समय अगर कोई इस समस्याओं को समाधान कर सकता है तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, ठीक है। बड़ा बात विवाद रहता है इन बातों का, कोई कहता है कि आजादी हमें नेहरू ना होते या गांधी ना होते तो हमें आजादी ना मिलती। देखिए आजादी तो मिलती लेकिन उनका उसका स्वरूप अलग हो सकता था। इसी तरह आप कह सकते हैं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो क्या भारत एक हो पाता, तो एक हो पाता लेकिन उसके लिए स्वरूप अलग होता। हो सकता था कि पाकिस्तान में जूनागढ़ मिल जाता, हैदराबाद भी चला जाता, जम्मू कश्मीर भी चला जाता, ठीक है, तो अलग अलग हो सकता था लेकिन होता तो कुछ तो निर्णय होता।
देश की एकता बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार करे और ऐसा करने में उसे राज्यों का सहयोग भी प्राप्त हो। गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक असमानता आदि कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनके समाधान के लिए नियोजन और समन्वय बहुत जरूरी था। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माताओं को एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया होगा कि देखिए, आपको 1947 में आजादी मिल चुकी थी, लेकिन 1947 की आजादी आपकी सरकार के पास आई हुई थी, जनता के पास बंटवारा होना उसका बाकी था। आप देखेंगे गरीबों में असमानता थी, आर्थिक स्थिति को लेकर आप देखते हैं कि साक्षरता लेकर कितनी बुरी स्थिति थी। आर्थिक स्थिति आप लोग देख सकते हैं, महिलाओं की स्थिति अभी भी आप लोग देख सकते हैं, तो उस समय क्या स्थिति रही होगी आप समझ सकते हैं। तो इन सभी में आजादी का बंटवारा होना था, लेकिन या तो आप कह सकते हैं, अगर आपको अभी भी असमानता जिस भी क्षेत्र में देखी जाती हो वहां आप कह सकते हैं कि इसमें आजादी का बंटवारा अच्छे से नहीं हो पाया। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा सबरीमाला मंदिर का विवाद सुना होगा, कहां? केरल में। आप समझिए कि मतलब जो महिला, जिस पुजारी, वहां जो पुजारी साहब या आपके धर्मगुरु बैठे हुए, मैं एक किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म में ये असमानता देखने को मिलती है, फिर चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या कोई और धर्म के। तो आप समझिए, जिस पुरुष को, यानी कि जिस धर्मगुरु को महिला ने पैदा किया हुआ है, वो वहां जाके पूजा कर सकता है और वो इस तरह की अवधारणाएं जो भी है गढ़ सकता है, लेकिन एक महिला वहां जाकर पूजा नहीं कर सकती है। वही हाल है कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिन्होंने हमें बनाया उन्हें हम लोग मिटाने की बात कर रहे हैं। तो फिर आपने देखा है कि उसमें न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद महिलाओं को भी आजादी दी हुई है, ठीक है। तो इसी की बात कर रहा हूं कि उस समय बहुत असमानता थी आजादी के समय, तो उसका एक तरह से सही करने के लिए केंद्र सरकार के पास एक तरह से शक्तियां स्पेशल दी गई है। एक आप लोग 44वां संविधान संशोधन सुनते हैं, 1978 की बात है, तो क्या होता था कि 44वें संविधान में आपने देखा है संपत्ति का अधिकार आपका को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था, जो 7वां आपका अधिकार था संपत्ति का अधिकार। क्या होता था कि किसी की अगर हित में, मतलब आप समझिए कि राष्ट्रीय हित में अगर किसी की संपत्ति को जब्त कर रही है केंद्र सरकार, तो वो व्यक्ति क्या करता था कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चला जाता था कि हमारी साहब, हमारी जो भी अधिकार है मौलिक अधिकार, उनका हनन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट उसमें बीच में दखलंदाजी कर देता था। तो इसीलिए आपने देखा है कि 78वां जो 44वां संविधान संशोधन हुआ वो इसी को ध्यान में रखते हुआ हो। और फिर आपने देखा है कि केंद्र, मतलब आपका न्यायपालिका के पास कई लोग गए भी हैं इस मामले को लेकर, लेकिन न्यायपालिका ने कहा है कि ये संविधान का हिस्सा है ही नहीं है, ये केंद्र का विसर है, और केंद्र में आपने देख भी लिया है। एक केशवानंद भारती केस आप लोग सुनते रहते होंगे, कुछ समय पहले उनकी डेथ भी हुई है। तो कहते हैं केशवानंद भारती केस हार चुके थे, लेकिन संविधान और न्यायालय को एक ऐसा आप कह सकते हैं व्याख्या करने का मौका मिल चुका था कि आज तक वो व्याख्या चल रही है। और सबसे बड़ी बेंच बनाई गई थी 13 लोगों की, ठीक है, उसमें 13 सदस्य एक तरह से बेंच थी सबसे बड़ी, उसी ने निर्णय दिया था, ठीक है। अब उन संविधानिक प्रावधानों पर ध्यान दें जो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं। कौन कौन से? इसमें किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का निर्णय रहता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। पर्यन शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित राज्यों के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। लेकिन याद रखिए, ज्यादा कुछ इनके पास शक्तियां नहीं रहती है विधानमंडल के पास। आप लोगों ने आंध्र प्रदेश देखा होगा, आंध्र प्रदेश से अलग करके आपका 2014 के करीब आपका क्या बनाया गया था? तेलंगाना बनाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार के पास ये शक्ति है एक तरह से कि किसी राज्य को या तो सीमाओं को मिलाने की बात करें, या फिर आप कहें किसी राज्य में अगर दोनों में लड़ाई चल रही है तो किसी की सीमा को किसी और राज्य को देने की बात करें, या फिर आप देखें कि किसी नए राज्य के गठन की बात हो या नाम बदलने की बात हो उस राज्य के, तो ये सभी केंद्र सरकार के पास काम है। लेकिन इसके लिए क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति साहब उस विधानमंडल यानी कि उस राज्य सरकार से जरूर पूछते हैं कि आपका क्या इस पर विचार है, लेकिन मानने के लिए बात नहीं है, ठीक है। वही हाल है कि आपके पिताजी आपसे कहें कि ये काम किया जा रहा है, इस पर आपका क्या विचार है, लेकिन आपके विचार सुन लेंगे, अगर उन्हें लगता है कि अच्छा है तो मान लेंगे, अगर नहीं लगता है उन्हें अच्छा है तो वो एक तरह से नहीं मानेंगे। मैं समझ गया कि हमारा संविधान क्यों दूसरों को की सिर्फ नकल भर नहीं है, इसमें संघवाद का नक्शा निश्चित ही अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है।
ये क्वेश्चन भी कई बार आपका पूछ लिया है कि हमारा संविधान एक तरह से उधार का थैला भी कह देते हैं कई लोग। तो याद रखिए, हमारे संविधान में जो भी प्रावधान रखे गए हैं वो कॉपी पेस्ट नहीं रहे हैं कि वहां से हम लोगों ने कॉपी किए और दूसरी जगह हम लोगों ने लग के उन्हें ज्यों का त्यों रख दिया है। हम लोगों को जो भी जरूरत की चीजें लगी, हम लोगों को जो लगा कि अच्छा है हमारे में, उन्हीं को हम लोगों ने लिया है, उसमें सुधार करके हम लोगों ने लिया है। तो इस तरह से हम नहीं कह सकते पूरी तरह से कि हमने उधार लिया है किसी से। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से आप कह सकते हैं कि कोई नशेड़ी गजेड़ी है, उसमें भी कुछ अच्छाई होगी आपको, उससे भी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो उसमें आप लोग क्या करें, आप लोग उसकी अच्छाइयों को ले लें, उसमें सुधार करके अपने आप में जो भी लागू है कर सकते हैं। अब आपसे कोई कह दे कि ये तो पूरा उधार लिया हुआ थैला है, उससे आपने उधार ले लिया, तो आप कहेंगे क्या कहेंगे कि आप लोग कहेंगे कि नहीं, मैंने ये बुराई उसकी छोड़ दी, मैंने कहा उसके ज्यों का त्यों उठा के दिया, इसमें भी कुछ संशोधन करके हमने अपने आप में लागू किया हुआ है। ठीक है, संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान है जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देते हैं। आपातकाल के दौरान शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती हैं। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर कानून बना सके जो राज्य के अधिकारों के क्षेत्र में आते हैं। अगर आप सोचेंगे कहाँ कहीं राज्य की सरकार ऊटपटांग चल रही है, वो संविधान के तहत नहीं चल रही है, तो आप राष्ट्रपति शासन की सुनते रहते हैं ना कहानी, ज्यादा दूर आप मत जाइएगा। पंजाब, ये जम्मू कश्मीर में समय हमेशा देखते रहते थे आप लोग पहले। हाल ही में आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि केंद्र सरकार में जो आपकी बीजेपी है, बीजेपी और शिवसेना के बीच आपका गठबंधन था, चुनाव दोनों जीते, दोनों को सीएम को लेकर झगड़ा हुआ और एक तरह से समाधान नहीं हो पाया। उसके बाद आपने देखा है राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उसके बाद आपने देखा है कि कांग्रेस और शिवसेना और एक और पार्टी ने मिलकर वहां जो शरद पवार साहब जी है, उन्होंने एनसीपी, उन्होंने मिलकर एक नई सरकार बनाई। ठीक है, तो इस तरह की विचारधारा आप भी देख सकते हैं। मान लीजिए कल कोई राज्य सरकार केंद्र जो भी संविधान के तहत ना चल रही हो, तो वहां एक तरह का आपातकाल भी लगाया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 356 सुनते रहते हैं ना, ठीक है उसी की बात कर रहा हूँ। सामान्य स्थितियों में केंद्र सरकार को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियां और उत्तरदायित्व हैं। सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। इस प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन है और राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित होता है। इसके लिए आप देखते हैं वित्त आयोग का गठन किया गया है। दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद भारत ने तेज आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियोजन को साधन के रूप में प्रयोग किया है। नियोजन के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार के साथ हाथ में सिमटती गई। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग राज्यों के संसाधन प्रबंधन की निगरानी करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर राज्यों को अनुदान और ऋण देती है। आर्थिक संसाधन का यह वितरण असंतुलित माना जाता है। सरकार पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वह विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। ये भी देखा जाता है, ये भी सही बात है। मान लीजिए केंद्र सरकार के पास अधिक शक्ति है और आप देखेंगे केंद्र में जिसकी सरकार हो और राज्य में जिसकी सरकार हो, वो तो ठीक है, उनमें उनमें कोई विरोध देखने को नहीं मिलता है। लेकिन विरोध तब देखने को मिलता है जब केंद्र में किसी और की सरकार हो। मान लीजिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है, तब हमेशा इस तरह का विरोध देखने को आपको मिलता रहता है। ठीक है, लेकिन इनका कर्तव्य ही समझा जाता है। अब जैसे फिर मैं बोल रहा हूं कि एक आप लोग अपने आसपास की स्थिति से आप लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी से आपका कोई रिश्ता बना, रिश्ता का मतलब मैं आप जो भी आप समझ सकते हैं आजकल के जो भी प्यार, आप कुछ भी कहिए, जो भी आपका परिवार या फिर और जो भी आपके रिश्ते हो, मान लीजिए आप उस पर 10% एक तरह से पूरा भरोसा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं तो उसका भी दायित्व रहता है, उसका भी कर्तव्य रहता है कि वो आप भरोसे को बरकरार रखे, ये साबित ना कर दे कि सच में आप अंधे हैं। तो यही केंद्र सरकार का एक तरह से एक प्रावधान है कि केंद्र सरकार का राज्यों में किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है या उनकी अपनी सरकार है, इसको निष्पक्ष रूप से देखा जाए और सभी के साथ वही व्यवहार किया जाए जो अपनी सरकारों के साथ किया जा रहा है, सभी को वही धन दिया जाए जो अपने अपने लोगों को दिया जा रहा है एक तरह से। अब ये अलग बात होती है कि केंद्र सरकार अब भेदभाव करना देख लेते हैं आप लोग की करती रहती है, दुरुपयोग करती रहती है अपनी शक्तियों का, अपने कर्तव्यों का, तो ये अलग बात होती है। ठीक है, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त थी कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने का
करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थिति में भी राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सके, और इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके। यदि चाहे तो ऐसे विधेयकों की परीक्षा कर उन पर निषेधाधिकार यानी कि वीटो का प्रयोग करके उसे पूरी तरह नकार दे। इसका दुरुपयोग हमेशा देखा जाता है। क्या देखा जाता है? राज्यपाल का दुरुपयोग हमेशा देखा जाता है। मैं हमेशा आप लोगों से बोला है कि पद कोई गलत नहीं होता है, समझ रहे हैं आप लोग? इसी तरह से आप कह सकते हैं रिश्ता कोई गलत नहीं होता है, लेकिन उस रिश्ते पर बैठा हुआ व्यक्ति या उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उसका दुरुपयोग करने लगता है। राज्यपाल अपने आप में कोई पद गलत नहीं है, लेकिन उस पर जो व्यक्ति बैठता है अगर वो भेदभाव करने वाला है, अपने कर्तव्यों से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तब भेदभाव देखने को मिलता है। इसके उदाहरण आप हाल में ही देख सकते हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश में आपने देखा है किस तरह से राज्यपाल का दुरुपयोग किया जाता है। कैंसर देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, केंद्र में जिसकी भी सरकार होगी उसके पक्ष में सभी एजेंसियां, सभी एक तरह से लोग उसके पक्ष में रहेंगे। डायरेक्ट आप नहीं कह सकते, लेकिन इनडायरेक्ट झुकाव उनका केंद्र सरकार की तरफ रहेगा। कई बार आप इस तरह की भी प्रावधान देखते रहते हैं, किसी नेता को भी राज्यपाल बना दिया जाता है किसी राज्य का। कई बीजेपी, अभी आप देख रहे हैं कि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, तो कई बीजेपी के नेताओं को राज्यों में राज्यपाल भी नियुक्त किया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इनका भी दुरुपयोग हमेशा देखते रहते हैं सरकार गिराने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए, पर ऐसा करने के लिए पहले राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। अगर राज्यसभा अनुमति दे देता है तो केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकती है। संविधान में साफ साफ कहा गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है कि संविधान का निम्नलिखित प्रावधान इससे, और याद रखिए इन्हीं शक्तियों के कारण एक तरह से आप कहिए कि राज्यों में ज्यादा शक्ति नहीं है, वरना राज्य कहते कि हमें अलग होना है, समझ रहे हैं? अब एक तरह से अच्छे काम के लिए ये शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई हैं, लेकिन अब उनका दुरुपयोग करने लग जाए तो ये अलग बात होती है। अनुच्छेद एक आपका 257(1) आप लोग पढ़ते होंगे, इसमें क्या कहा गया है? प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी ना पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। आपने कार्यपालिका से संबंधित अध्याय में देखा भी होगा कि हमारे प्रशासकीय व्यवस्था एक हरी है और अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए होती हैं। इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में काम भी करते हैं, अतः जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण होता है। आप देखते हैं समय समय पर ट्रांसफर भी होता रहता है। राज्य ना तो उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है और ना ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। ठीक है, तो इनका भी दुरुपयोग देखने को मिलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। संविधान के दो अन्य अनुच्छेद भी आप लोगों ने देखा होगा, 33 और 34 संकर सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफी बढ़ा देती है जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन मार्शल लॉ लागू हो जाए। ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देती है कि ऐसी स्थिति में केंद्र या राज्यों के बीच किसी भी अधिकारी के द्वारा शक्ति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनी जायज करार दे सके। इसी के अंतर्गत सशक्त बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया। इससे कभी कभी जनता और सशक्त बलों में आपसी तनाव भी हुआ है। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में काफी इसके तहत तनाव देखा जाता रहा है और आपका पूर्वी भारत में इस तरह का तनाव देखा जाता है। ठीक है, यहाँ क्या रहता है कि जो सशक्त बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम है ये लागू हो जाता है जिस क्षेत्र में, तो वहां के अधिकारों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी घर की तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, इनको भी देखते रहा करिएगा। आप लोग कहाँ पहुंचे, क्या समझे अभी तक, ऊपर जो भी आप लोगों ने देखा होगा उसकी एक तरह से यहाँ आप लोग समझ सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संघ व्यवस्था में तनाव आखिर कहाँ होता है, टकराव कहाँ होता है। पिछले पृष्ठों में हमने पढ़ा है कि संविधान ने केंद्र को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की हैं, यानी कि केंद्र के पास बहुत शक्तियां हैं। यह भी संविधान के विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग पहचान को मान्यता देने देता है, लेकिन फिर भी वह केंद्र को ज्यादा शक्ति देता है। एक बार जब राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है, तब यह स्वाभाविक ही है कि पूरे देश के शासन में और अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा और ज्यादा शक्ति या तथा भूमिका मांग की मांग उठाई जाए।
इसी कारण राज्य ज्यादा शक्ति की मांग करते हैं। समय समय पर राज्यों ने ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग उठाई भी है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष और विवादों का जन्म भी हुआ है। केंद्र और राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवाद का समाधान न्यायपालिका करती है, लेकिन स्वायत्तता की मांग एक राजनीतिक सवाल है जिसे आपसी बातचीत द्वारा ही हल किया जा सकता है। एक आप विशेष राज्य का दर्जा भी सुनते रहते होंगे। इसमें क्या होता है कि आप समझिए कि अगर 100% मान लीजिए 100 रुपया है, तो 90 रुपया तो एक अनुदान के रूप में जाते हैं अगर किसी को कैंसर मतलब स्पेशल जो भी शक्ति है मिली हुई है विशेष राज्य का दर्जा, तो 100 रुपये अगर वो लेता है तो उसे 10 रुपये लौटाना होगा, 90 रुपये उसे अपने पास एक तरह से अनुदान के रूप में यानी कि दान के रूप में समझे जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं सामान्य राज्य को, तो उसमें 10% अनुदान मिलता है और 90% एक तरह से उसे देना वापसी करना होता है। इस तरह की कई शक्तियां मिली रहती हैं। कभी आपने देखा होगा बिहार सरकार भी कहती है, बिहार राज्य भी कहता है हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, आंध्र प्रदेश भी कहता रहता है, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और याद रखिए क्या है कि आपका इनके बीच जो भी संघर्ष होता है उसके समाधान के लिए कई संस्थाएं भी बनाई गई हैं राज्य और आपकी केंद्र सरकार के बीच। और लास्ट में अगर किसी के पास किसी कोई समाधान नहीं निकल रहा है तो न्यायपालिका के पास जाते हैं, न्यायपालिका अंतिम रूप से निर्णय देता है, ठीक है। केंद्र अगर राज्यों के बीच के संबंध की हम बात करें इन दोनों के बीच के, तो संविधान तो मात्र एक फ्रेमवर्क या ढांचा है। इस पर ईंट गारा सुर्खी चूना चढ़ाने का काम राजनीतिक की वास्तविकताओं द्वारा होता है। अतः भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफी प्रभाव भी पड़ा है। 1990 से 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी और इस दौरान केंद्र और राज्यों की भी राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था। नए राज्यों को गठन की मांग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध शांतिपूर्ण और सामान्य रहे। राज्यों को आशा थी कि वे केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदानों से विकास कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाई गई नीतियों के कारण भी राज्यों को काफी आशा बंधी थी। और एक बात आप लोग समझ सकते हैं कि जब हम लोग आजाद हुए तो हमारे यहाँ कोई ज्यादा एक तरह से विपक्ष नहीं था। नेहरू तक आप देखेंगे कोई टकराव भी नहीं था, क्योंकि टकराव इसलिए नहीं था कि केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है। अब टकराव हो तो किसके बीच हो, कांग्रेस की केंद्र में भी सरकार थी और राज्य में थी। लेकिन आप देखेंगे 1960 के दशक के बीच में कांग्रेस के वर्चस्व में कुछ कमी भी आई। अनेक राज्यों में विरोधी दल सत्ता में आए और इससे राज्यों की ओर ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग बलवती हुई। इस मांग के पीछे प्रमुख कारण यह था कि केंद्र और राज्यों में भिन्न भिन्न दल में सत्ता में थे, अतः राज्यों की सरकारों ने केंद्र की कांग्रेसी सरकार द्वारा किए गए अवांछनीय हस्तक्षेपों का विरोध भी करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के लिए भी विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों से संबंधों के तालमेल की बात पहले जैसी आसान नहीं रही। इस विचित्र राजनीतिक संदर्भ में संघीय व्यवस्था के अंदर स्वायत्तता की अवधारणा को लेकर वाद विवाद छिड़ गया। प्रॉब्लम 1960, ये प्रॉब्लम समस्या क्यों आती है, क्योंकि आप समझेंगे कि पहले तो आपकी ही सरकार राज्य में थी और आपकी ही केंद्र में थी, तो आपने जो भी कहा राज्यों ने आराम से मान लिया और राज्यों ने जो भी कहा आपने कहा कि ठीक है मैं देख लूंगा ऐसा कर दूंगा। लेकिन खड़ी होती तब कि केंद्र में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और राज्यों में अन्य किसी दल की सरकार है, तब आप देखिए राज्य आपने कहा कुछ कि ये नियम आपको लागू करना है, उसने मना कर दिया, तब आपने देखा है विवाद खड़ा हो गया। या फिर उसने कहा कि हमें इतना पैसा चाहिए और आपने मना कर दिया, तब भी विवाद खड़ा हो जाएगा। तो यहां से विवाद खड़ा होना शुरू हुआ। आगे देखते हैं, आखिरकार 1990 के दशक से कांग्रेस का वर्चस्व काफी कुछ खत्म हो गया, आप सभी जानते हैं। हमने केंद्र में गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश किया, यानी कि बहुत सारी पार्टियों ने एक होकर सरकार बटाने का काम किया, क्योंकि एक को जब बहुमत नहीं मिलेगा तो आप देखेंगे कई पार्टियां मिलकर सरकारें बना लेती हैं। जैसे मान लीजिए बीजेपी को 16 और 17वीं लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, अगर नहीं मिलता तो जो भी बीजेपी के सहयोगी घटक हैं जिन्हें आप लोग एनडीए कह देते हैं, ये मिलकर एक तरह से सरकार बनाती। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आप लोग सुनते हैं ना कि 13 पार्टियों का गठबंधन किया गया था, ठीक है। और जब गठबंधन किया जाता है तो गठबंधन में कुछ तो मतलब रहता है हर पार्टियों का। आपने देखा होगा कि मलाईदार जो भी मंत्रालय होते हैं सब उन पर सबकी नजर गड़ी रहती है, ठीक है, और सभी एक तरह से ताना झानी भी करते रहते हैं इस तरह की। राज्यों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए, इससे राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ गया, विविधता का आदर हुआ और एक मंच सरगर्म हुआ। बड़ी दिल की बातों का फैसला नहीं करते आखिरकार
सरकार के रूप में रंग का फैसला कारण कई बार इनकी लालच के कारण दोनों में ज्यादा कुछ विवाद खड़ा हो जाता मिल रहा होगा कहां पश्चिम बंगाल और आप देखेंगे कहां पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच दिल्ली सरकार के और उपराज्यपाल के बीच आप लोगों को हमेशा झगड़ा देखने को मिलता रहता है क्योंकि उपराज्यपाल एक तरह से केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रहा है वहां केंद्र सरकार की तरफ उसका झुकाव रहता है और सीएम केजरीवाल एक तरह से जनता के द्वारा चुने गए हैं अधिक शक्ति होनी चाहिए केंद्र एक तरह से आपके किसके पास केजरीवाल के पास आप पार्टी के जो नेता है उनके पास होना चाहिए क्योंकि उन्हें वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं अगर वो काम नहीं करते हैं तो अगली बार जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी लेकिन आप देखते हैं राज्यपाल सर कई जगह टांग अड़ा देते हैं कि ऐसा काम नहीं करने देंगे क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहेगी कि उनकी लोकप्रियता बढ़े केजरीवाल की इससे ज्यादा क्या बढ़ेगी आप समझ सकते हैं कि दूसरी बार पूरी पार्टियां सभी कुछ पूरी तरह से जी जान से लग गई फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाई उस व्यक्ति ने काम किया हुआ था वहां तो इसकी छवि को गिराने के लिए एक तरह से इस तरह के काम करते रहते हैं समय समय पर स्वायत्तता की मांग समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज्यादा स्वायत्त देने की मांग भी उठाई है लेकिन विभिन्न राज्यों और दलों के लिए स्वायत्तता का अलग अलग मतलब हो सकता है कभी कभी इन राज्यों के पक्ष में बदला जाए और तथा राज्यों को ज्यादा तथा अधिकार दिए जाए समय समय पर अनेक राज्यों जैसे अकाली मांग भी रही कि राज्यों के पास आय की स्वतंत्र साधन होने चाहिए और संसाधनों पर उनका ज्यादा नियंत्रण भी हो स्वायत्तता भी कहते हैं 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया तमिलनाडु और पंजाब की स्वायत्तता की मांगों में भी ज्यादा वित्तीय अधिकार हासिल करने की मंशा छुपी हुई है आप देखते होंगे एक नया कर आया हुआ है जीएसटी क्या जीएसटी आप समझिए कि केंद्र सरकार के पास इसका पूरा एक तरह से जमा हो रहा है अभी आप लोगों ने लॉकडाउन भी देखा है कोरोना वायरस की महामारी देखी है आप समझिए इससे कौन लड़ सकता था बेहतर केंद्र सरकार बेहतर नहीं काम कर सकती थी इससे लड़ने के लिए राज्य सरकार भी कर सकती थी स्थानीय सरकार कर सकती थी लेकिन जब स्थानीय सरकार या राज्य सरकार के पास पर्याप्त धन ना हो तो वो किस तरह से लड़ सकती है आपने देखा है कि पीएम फंड बनाया गया इस कोरोना महामारी के दौर में लेकिन आपने देखा है कि केंद्र सरकारों के पास धन नहीं था लेकिन एक माफ करिए केंद्र सरकार के पास धन था लेकिन राज्य सरकारों के पास धन नहीं था तो आपने देखा इतने केस बढ़ चुके थे और मैं बार बार आप लोगों से कहता रहा हूं कि स्थानीय सरकार और राज्य सरकार उसी दिन से जब एक केस हमारे देश में निकला हुआ था उसी दिन मैंने बोला था कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपकी सब एक होकर काम करें सभी प्रशासनिक अधिकारी सभी स्थानीय पंचायतें हो फिर नगर पालिका हो नगर निगम हो या जो भी पंचायत हो आपकी तो बहुत बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है इससे लेकिन आपने देखा है केंद्र सरकार के बीच राज्यों के बीच किस तरह से टकराव हुआ इस समय भी काफी टकराव देखते रहे केंद्र सरकार अपनी मनमानी करती रही उसका परिणाम आज आप लोगों को देखा है कि किस तरह से हमने अर्थव्यवस्था को उल्टे मुंह गिरते हुए देखा है लोगों को किस तरह से त्राही मान मतलब एक त्रासदी झेलते हुए देखा है कई लोगों की इससे जान भी गई हुई है कितने केस बढ़ चुके हैं ठीक है तो देखिए सबकी सलाह लेना मुझे लगता है कि बेहतर रहता है मान लीजिए आप घर के मुखिया हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तानाशाही करें इसका मतलब ये होता है कि सभी से आप लोग एक तरह से बात विवाद करिए उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसे लागू करिए मैंने इसे लॉकडाउन के समय एक आप समझेंगे कि रामायण देखी हुई महाभारत भी पढ़ी हुई है काफी आप समझिए कि राम श्री राम आपने देखा है मान लीजिए भगवान तो सब कुछ जानते होंगे लेकिन आप वो कहते हैं कि हनुमान जी इस पर आपके क्या विचार हैं लक्ष्मण जी आपके क्या विचार हैं फिर आपने देखा होगा विभीषण से भी पूछते हैं आपके क्या विचार हैं और हंसते हुए पूछते हैं तो यानी कि सबकी एक तरह से आप कहिए कि सबके विचार ले रहे हैं वो और मुझे लगता है कि राजनीति में ये फॉलो होना चाहिए और मैं इतना कह सकता हूं कि अगर श्री राम का समय ये होता वो भगवान श्री राम खुद होते राम तो वो इस तरह घर में बैठ के रामायण या महाभारत कभी ना देख रहे होते जिस तरह से हमारे नेता देख रहे थे और जनता रोड पर मर रही थी एक तरह से चिल्ला रही थी खैर ये छोड़िए हम लोगों ने जैसा चुना है उसी का भुगतान कर रहे हैं उसी का भुगतान करते रहेंगे हाँ मुझे पता है कि हिंदी भारत की भाषा है लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले मेरे बहुत से मित्र हिंदी नहीं जानते हैं ठीक है और राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते आप लोग हिंदी को ठीक है स्वायत्तता की मांग का तीसरा पहलू प्रशासनों में से संबंधित है विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय का जो नियंत्रण है उससे नाराज रहते हैं
इसके अतिरिक्त स्वायत्तता की मांग सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से जुड़ी हुई है, हो सकती है, और तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व का विरोध और पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृति को सहन की मांग। इसके कुछ उदाहरण कुछ राज्य दरअसल उन हिंदी को लागू करने के विरोध में आंदोलन भी हुए हैं। खैर छोड़िए, आप लोग अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब त्रिपुरा सूत की बात उठी, नई जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई थी, उसमें एक आपकी हिंदी अनिवार्य थी, इंग्लिश अनिवार्य थी, एक आपकी भाषा हो सकती है। जैसे आप लोग तमिलनाडु का उदाहरण ले सकते हैं, अनिवार्य पढ़ना होगा आपको इंग्लिश पढ़ना होगा और तमिलनाडु आप लोग पढ़ सकते हैं। ये आप पर निर्भर है कि आपको कौन भाषा सीखनी है। लेकिन तमिलनाडु या दक्षिण के भारतों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि दो भाषा हम मानेंगे, द्विभाषी सूत्र मानेंगे, एक तो इंग्लिश पढ़ेंगे, दूसरे हम लोग हिंदी नहीं पढ़ेंगे। सरकार ने भी इस पर नरम रही, उसने कहा कि हाँ जैसा भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ आप लोगों कुछ कार्टून भी देख सकते हैं। संविधान सभा में राष्ट्रीय भाषा पर बहस के दौरान नेहरू को हिंदी भाषी प्रांतों से दूसरे के प्रति प्रति उदारता बरतने के लिए आग्रह करना पड़ा। ये आप देख सकते हैं चित्र के द्वारा, ठीक है। ये नेहरू साहब हैं, इन लोगों को देख लीजिए आप लोग। जब नेहरू राज्यपालों की नियुक्ति कर रहे थे तो उनमें से कुछ मंत्री पद छोड़ने को इच्छुक, यहाँ देखिए आप लोग इस तरह से। अब बात करते हैं राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन की। राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा ही विवाद का विषय बनी रही है। विवाद तब खड़ा होता है जब केंद्र सरकार में दूसरी सरकार हो, राज्यों में दूसरी हो, ठीक है। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता है, अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी या लोक सेवक या फिर राजनीतिक हुए हैं। फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है, अतः राज्यपाल के प्रश्नों को अक्सर राज्य सरकारों के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। अब याद रखिए, आपको अगर कोई नियुक्त करता है तो आप तो उसी के पक्ष में रहेंगे जिसने आपको बनाया, जिसने आपको वो पद दिया, ठीक है। जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं, यानी कि सत्ता में होते हैं, तब राज्यपाल की भूमिका और विवादास्पद हो जाती है। केंद्र राज्य संबंधों में से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग भी बनाया गया। इस आयोग को आप लोग सरकारी आयोग के नाम से जानते हैं, और इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट भी दी थी। इसमें सिफारिश की गई थी कि राज्यपाल की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। और आप समझिए, अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाती तो आप एक बात और जान लीजिए कि राज्यपाल निष्पक्ष रूप से काम भी करते, ठीक है। एक और कारण से राज्यपाल की शक्ति और भूमिका विवादास्पद हो जाती है। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक है अनुच्छेद 356। इसका दुरुपयोग हमेशा देखा जाता है और कभी कई जगह इसका उपयोग भी देखा जाता है। इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, और इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उस राज्य का शासन इससे संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तब आपका राज्यपाल सिफारिश करता है और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। आप देखिए 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है, पूरे राष्ट्र में। और आप लोगों को एक बताना है, वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। और एक बात और बताइए आप लोग नीचे कि अभी तक वित्तीय आपातकाल कितने बार भारत में लगाया गया, लगाया गया अभी नहीं लगाया गया है, ठीक है, इसे भी बताइए। परिणाम स्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है। इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होती है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, और राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानमंडल को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। और इसके अनेक विवाद पैदा हुए हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया। 1959 में केरल में और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी गए तथा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संविधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। एक बात और याद रखिए आप लोग, आर्टिकल 356 के तहत जो एक तरह से शक्ति दी गई थी, इसलिए दी गई थी कि कभी अगर इस तरह की परिस्थिति बन जाए, कोई राज्य अपना एक राज्य सरकार मनमानी तरीके से चलने लगे, संविधान के तहत ना चले, तो उन्हें रोकने के लिए, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस तरह की व्यवस्था गई थी। लेकिन इसका दुरुपयोग, फिर मैं बता रहा हूं कि आपके कर्तव्य कुछ और हैं, और आप जानते हैं कि आपके संविधान में आपके कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं कि संपत्ति को ना जलाना, देश की एक तरह से जो भी राष्ट्रीय धरोहर है उनका सम्मान करना। लेकिन आप जानते हैं, तो आपने कोई आंदोलन देखा होगा, सबसे पहले सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, तो यही बात कर रहा हूं मैं।
तो यही केंद्र सरकार या राज्यपाल या राष्ट्रपति भी करते हैं। 1967 तक अनुच्छेद 356 का अत्यंत सीमित प्रयोग किया गया, क्योंकि 1967 तक कहीं विवाद देखने को मिला नहीं है, क्योंकि आपकी केंद्र सरकार में अधिकतर मेलजोल बना रहा। 1967 के बाद अनेक राज्यों में पास थी। अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया है, अथवा उसने राज्य में 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया था, बहुमत होते हुए भी उनके बर्खास्त कर दिया था। जब भी आंसर आप लोग लिख रहे हो अगर 300 पर, तो आप इनका भी उदाहरण डाल सकते हैं, ठीक है, इन पॉइंटों को आप लोग डालिए, ठीक है, बताइए आप लोग कि इसका अपवाद, इनका दुरुपयोग 1980 में किस तरह से किया गया आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर से, ठीक है। अब नवीन राज्यों की मांग की बात करें, हमारी संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर भी तनाव रहा है। तो राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को ही नहीं बल्कि समान भाषा, क्षेत्र और संस्कृति पर आधारित एकता को भी जन्म दिया है। हमारी राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था, अतः राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह भी किया गया कि यथा संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश श्री रामल्लू के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, भाषा के आधार पर पहला गठन होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। अभी आप लोगों ने नागालैंड एक तरह से व्यवस्था करने की मांग की है कि हमें अलग होना है, हमें अलग नए लग गई 26 जुलाई 1953 को, जब आंध्र प्रदेश एक तरह से चल रही थी प्रोसेस, उसी समय हर राज्य कहने लगा कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, इस तरह से। इसने स्वतंत्रता के बाद गठन की मांग उठी। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भी की गई, इन्हें भी आप लोग याद रखें, जिसने प्रमुख भाषाई समुदाय के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश भी की है। 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ है, इसमें इससे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई, यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन भी हुआ है। 1976 के राज्यों का पुनर्गठन किया गया और नए राज्यों जैसे मणिपुर, पूरा मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का भी जन्म हुआ है, ठीक है। नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासनिक सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन सन 2000 में भी किया गया। मध्य प्रदेश का आपने देखा है, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था सन 2000 में ही, ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार को विभाजित कर 3 नए राज्य बनाए गए थे सन 2000 में। इसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया था, कुछ क्षेत्र और भाषाई समूह अभी भी अलग अलग राज्यों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ, और आपने तेलंगाना के बारे में बता ही चुका हूँ, जम्मू कश्मीर के बारे में बता ही चुका हूँ, ठीक है। अंतरराज्यीय विवाद की अगर बात करें हम लोग, तो जहां एक ओर राज्य अधिक स्वायत्ता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र से विवाद की स्थिति में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर आपको देखने को मिलेगा कि संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण देखने को मिलेंगे। यह भी सच है कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाती है, लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता है, इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी आपको देखने को मिलेंगे, अतः इनका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर भी ही हो सकता है। याद रखिए हर मुद्दा एक तरह से आप कह सकते हैं ना तो राजनीतिकरण होता है ना ही निष्पक्ष होता है। आप 1960 की बात करें कि 1960 तक कोई ज्यादा तनातनी नहीं चली केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, उस समय चलती क्यों, उस समय आपकी केंद्र में सरकार थी, आपकी राज्य में सरकार थी, आपका बड़ा अच्छा समझौता हुआ रहता था। लेकिन जब केंद्र में अलग सरकार रही, राज्यों में अलग सरकार रही, तो कुछ तो राजनीतिक एक स्वार्थ रहे, उसमें कुछ सही बातें भी थी, आप समझ रहे हैं, तो इसके लिए इन दोनों में विवाद खड़े शुरू हुए। और जो आपने देखा होगा गांव में किसी के बीच अगर लड़ाई होती है छोटी छोटी, तो उसके लिए पंचायत जुड़ती है और पंचायत निष्पक्ष एक तरह से बीच का रास्ता सुझाती है, ठीक है। उसी तरह से न्यायालय को आप कह सकते हैं पंच का रूप दे सकते हैं। आमतौर पर दो प्रकार के गंभीर विवाद पैदा होते हैं, इसमें आप देखेंगे एक सीमा विवाद, राज्य प्रायः पड़ोसी राज्यों के भूभाग पर अपना दावा पेश करते हैं, यद्यपि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया जाता है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग भी रहते हैं, अतः इस विवाद को केवल भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता है। ऐसा ही एक पुराना विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम को लेकर है, ठीक है। मणिपुर और नागालैंड के बीच भी सीमा विवाद पुराना है। पंजाब से हरियाणा को अलग करने पर उनके बीच भी न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर विवाद है, बल्कि राजधानी को लेकर भी विवाद चल रहा है। दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़
चंडीगढ़ इन दोनों की राजधानी, राज्यों की राजधानी है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंजाब के नेताओं से इस विषय पर पूछ सहमति भी बनी थी। इसके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाना था, पर अभी तक ऐसा नहीं हो सका। तो इस तरह के विवाद भी आपको देखने को मिलते रहते हैं। जहां सीमा संबंधी विवाद का स्वरूप भावनात्मक होता है, वहीं नदियों के जल के बंटवारे को लेकर भी होने वाले विवाद की प्रकृति गंभीर है, क्योंकि यह संबंधित राज्यों में पीने के पानी और कृषि की समस्या से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने सबने कावेरी जल विवाद के बारे में तो काफी सुना होगा। तमिलनाडु कर्नाटक के बीच एक विवाद बना हुआ है क्या, और हमेशा सुनते रहते हैं इस पर विवाद। दोनों राज्यों के किसान कावेरी के जल पर निर्भर हैं। यद्यपि इसे सुलझाने के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण की भी स्थापना की गई, फिर भी ये दोनों राज्यों इसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास गए। ऐसा ही महाराष्ट्र के बीच भी विवाद देखने को मिलता है। यह हमारे यहाँ हमारे प्रमुख संसाधन है, इसलिए राष्ट्रीय जल विवाद में राज्यों के धैर्य और सहयोग भावना की परीक्षा। जब भी इस तरह की बुराई है, मतलब इनके बीच टकराव की बात आती है, आंसर लिखने के लिए आता है। उदाहरण आप, हाँ, राज्यपाल के मामले में झगड़ा, भाषा के मसले पर झगड़ा, पानी को लेकर झगड़ा, तब भी हम किसी तरह एक साथ रहते हैं। आप सोचिए कि एक तरह से संविधान ना होता तो हकीकत बन जाती कि हम लोग अलग हो जाते, ठीक है। अब कुछ विशिष्ट प्रावधान भी इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे नया विशिष्ट है एक राज्यों के साथ प्रतिनिधित्व मिल सके। उत्तर प्रदेश में आप सीटें आपको को मिलती हैं। जनसंख्या के आधार पर बंटवारा किया गया है, आप समझ रहे। आप समझिए कि इस समय मतलब आप सोचिए जनसंख्या कई गुनी बढ़ चुकी है, तो आज जनसंख्या मतलब आज के हिसाब से सीटों का निर्धारण होना चाहिए, इसकी बात कर रहा हूं। मान लीजिए कि 1 लाख के लिए एक राज्यसभा आप लोगों ने नियुक्त किया था, एक तरह से मानने के लिए बोल रहा हूँ आप लोगों से, और आज वहां हो गई कितनी, 10 लाख जनसंख्या हो गई, तब भी आप लोग क्या बनाए हुए, एक ही राज्यसभा सदस्य वहां दिए हुए हैं। तो ये भी एक तरह से विवाद देखा जा रहा है। शक्ति के बंटवारे की योजना के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियां सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त हैं, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था भी करता है, और ऐसे अधिकतर प्रावधान पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे असम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि के लिए भी है, और जहाँ विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाले जनजाति बहुल जनसंख्या निवास करती है और यहाँ के निवासी अपनी संस्कृति इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं, और अनुच्छेद 371 के तहत इन्हें विशेष शक्ति भी मिली हुई है। बहरहाल ये प्रावधान इस क्षेत्र के कुछ भागों में अलगाववाद और सशक्त विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो सके। ऐसे ही कुछ विशेष प्रावधान पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और तेलंगाना के लिए भी किए गए हैं। एक तरह से आप यही कि देखिए किस कोई अगर ज्यादा बोलता है, आप जम्मू कश्मीर का उदाहरण ले सकते हैं कि आप 1947 के बाद से आप लोग देखिए जम्मू कश्मीर अलग भगने की कोशिश कर रहा था, तो किसी तरह से हमें एक करना था, इसीलिए आर्टिकल 370 के तहत कुछ प्रावधान उसे स्पेशल शक्तियां दी गई थी कि चलिए किसी कारण किसी भी तरह से हमारे में आकर मिलिए तो सही, आगे हम लोग देख लेंगे कि आपके साथ क्या व्यवहार करना है, ठीक है। अब जाकर मुझे पता चला है कि पहले अध्याय में आए सुसंगत और संतुलित बनावट का असली मतलब ये है। जम्मू कश्मीर की बात यहाँ देख लीजिए आपको, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है। जम्मू कश्मीर एक विशाल देशी रियासत था, भारत विभाजन के समय हिंदुस्तान या पाकिस्तान में किसी एक में शामिल होने का इसके पास विकल्प था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध भी हुआ है। इन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भारत का चयन किया। पहले देखिए जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह साहब, उनको लगता था कि हम दोनों के बीच एक तरह से रहें, हमें मतलब ना रहे, हमें ना तो पाकिस्तान से ना ही भारत से, हम स्वतंत्र देश बने। लेकिन आपने देखा है कि पाकिस्तान इसको, भारत तो मान जाता इस बात को लेकर, और भारत यहाँ भी कहता था कि तुम्हें अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम पाकिस्तान में भी मिल जाइए। लेकिन पाकिस्तान को आप जानते हैं क्या स्थिति है वहां की, फिर आपने देखा है उसने किस तरह से आक्रमण किया पाकिस्तान पर, और फिर आपने देखा है कि पाकिस्तान जो वहां के राजा थे महाराजा साहब, वो पाकिस्तान भारत के पास आए, हाथ जोड़े उन्होंने, फिर आपने देखा है कि एक समझौता किया उसके तहत ही शामिल हुए। अभी बताएं अगर करंट की स्थिति
तो आप याद रखिए 370 को हटा दिया गया है और एक तरह से जो भी प्रावधान स्पेशल मिला था उन्हें खत्म कर दिया गया है, ठीक है। 370 को पूरी तरह से नहीं हटाया गया है, कुछ एक तरह से प्रावधान बचा हुआ है, लेकिन अब वो सभी प्रावधान यहाँ भी लागू होंगे जो अन्य राज्यों में होते हैं, ठीक है। अब वही प्रावधान एक तरह से यहाँ भी लागू होंगे। अभी क्या रहता था कि कुछ प्रावधान अन्य राज्यों में लागू हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं होते थे। अधिकांश मुस्लिम बहुल राज्यों ने पाकिस्तान का चयन किया, पर जम्मू कश्मीर एक अपवाद था। इस परिस्थिति में संविधान में उसे काफी ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 370 के अनुसार केंद्र सूची और संवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने, उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक होती थी। लेकिन आपने देखा है कि अब हट गया है, अब कुछ सहमति जरूरी नहीं। यह अन्य राज्यों की स्थिति से भिन्न था। अन्य राज्यों के लिए तीन सूचियों द्वारा किया गया शक्ति विभाजन स्वतः प्रभावी होता था। जम्मू कश्मीर के संबंध में केंद्र सरकार को सीमित शक्तियां प्राप्त थी और केंद्र सूची और संवर्ती सूची में वर्णित शक्तियों का वहां प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती थी। इससे जम्मू कश्मीर राज्य को ज्यादा स्वायत्तता मिली हुई जाती थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2019 के पहले जब 370 या विशेष राज्य का दर्जा खत्म नहीं किया गया, उससे पहले राज्य सरकार के पास काफी शक्तिशाली हुआ करता था, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बाकी राज्यों की तुलना में। व्यवहार में जम्मू कश्मीर को उतनी स्वायत्तता प्रदान नहीं है जिसका संकेत अनुच्छेद 370 की भाषा से मिलता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्य सरकार की सहमति से यह तय करे कि केंद्र सूची और संवर्ती सूची के कौन कौन से प्रावधान राज्य के लिए प्रभावी होंगे। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से अब तक दो संविधानिक आदेश जारी किए जिसके अंतर्गत इन सूचियों में बड़ी अधिकतर शक्तियों को राज्य में लागू किया जा सका। परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान और ध्वज जरूर है, पर संघीय और संवर्ती सूची के विषयों पर राज्य के लिए कानून बनाने की संसदीय शक्ति को अब पूरी तरह से स्वीकृति मिल गई है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये 2019 के भी जब से ये विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ है उसके पहले की पूरी कहानी बता रहा हूं। अब ऐसी कोई व्यवस्था वहां नहीं है। पहले आप लोग राज्यपाल शासन के बारे में भी सुनते रहते थे वहां, तो अब कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए तो कहता हूं कि करंट से आपको जुड़ना होगा, ठीक है, अपडेट होते रहना होगा आपको। ये तो केवल उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि आपको समझ में आ सके। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में एक अंतर है कि राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। संघ सरकार जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकती है। राज्य की नीति निदेशक तत्व यहाँ लागू नहीं होते। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि भारतीय संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर में लागू हो सकते हैं। अनेक लोगों की मानता है कि संघीय व्यवस्था में शक्तियों का औपचारिक और सामान्य विभाजन संघीय की सभी इकाइयों राज्यों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। अर्थात जब भी ऐसी विशिष्ट प्रावधानों की व्यवस्था संविधान में की जाती है तो उसका कुछ विरोध भी होता है। इस बात की भी शंका होती है कि ऐसी विशिष्ट प्रावधानों से उन क्षेत्रों में अलगाववादी प्रवृत्तियां मुखर हो सकती हैं। अर्थात इन विशिष्ट प्रावधानों को लेकर कुछ विवाद भी है। और एक बात याद रखिए, जब से बीजेपी का गठन हुआ है तभी से बीजेपी के एक तरह से चुनावी वादे रहे हैं कि 370 को हटाना, जम्मू कश्मीर को आजाद करना, भारत में पूरी तरह से मिलाना और राम मंदिर बनवाना। लेकिन आपने देखा है कि पहले गठबंधन में रही है बीजेपी, और गठबंधन में रहेंगे आप तो आप पूरी तरह से कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं, आपको अपने सहयोगियों का सहारा लेना होगा। लेकिन आपने देखा है कि 16वीं और 17वीं लोकसभा में दमदार बहुमत मिला हुआ है बीजेपी को, तो आपने देखा है कि तब उसने निर्णय लिया और हटा दिया गया इस तरह के प्रावधान, ठीक है। अब कहां आप लोगों ने लास्ट में डिस्कस को भी देख लीजिए। संघवाद एक इंद्रधनुष की भांति होता है जहां प्रत्येक रंग का अलग अलग अस्तित्व होता है, लेकिन वे सभी रंग मिलकर एक सुंदर और सद्भावपूर्ण दृश्य उपस्थित करते हैं। संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का कठिन कार्य भी करती है। कोई भी कानून या संस्थानिक फार्मूला संघीय व्यवस्था की सुचारू रूप से कार्य करने की गारंटी नहीं दे सकता। इसकी सफलता के लिए जनता और राजनीतिक प्रक्रिया को पारस्परिक विश्वास, सहनशीलता, सहयोग की भावना पर आधारित कुछ गुणों, मूल्यों और संस्कृति का विकास करना चाहिए। संघवाद एकता और अनेकता दोनों का आदर करता है। अनेकता और विविधता को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी बाध्यकारी एकता वास्तव में और ज्यादा सामाजिक संघर्ष और अलगाव को जन्म देती है जो अंत में एकता को ही नष्ट कर देती है। विभिन्नताओं और स्वायत्तता की मांगों के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायित्व राजनीतिक व्यवस्था ही सहयोगी संघवाद का एकमात्र आधार हो सकती है। एक तरह से आप कहिए कि आप लोग मतलब बड़ा बीच का रास्ता चुनना होता है। अगर आप सोचें कि पूरी तरह से तानाशाही दिखाएंगे तो आप लोग समझिए कि जो एकता हमारे देश में बनी हुई है वो भंग हो सकती है। इसलिए आप देखते हैं राज्य सरकारें हो फिर चाहे केंद्र सरकारें हो, बहुत सोच समझ के विचार विमर्श करके ही फैसला करती हैं। अगर उनको आपको लगता है कि उनका विचार जो भी राज्यों को लगता है या आपको लगता है
कि उनने जो भी निर्णय लिया है वो आपके पक्ष में नहीं है। तो इसके लिए एक आपका निष्पक्ष के तौर पर, एक तरह से पंच के तौर पर न्यायालयों का गठन भी किया गया है कि आप उनके पास जाइए, वो आपका निर्णय निष्पक्ष रूप से करेंगे, वो ना तो सरकार का पक्ष लेंगे ना ही किसी और का। ठीक है, याद रखिए इंद्रधनुष की भांति ये अच्छा उदाहरण है, इसे भी आप लोग अगर संघवाद पर कुछ लिख रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। इसकी पीडीएफ भी आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन देखते रहा करिएगा, थोड़ा अच्छे से देख लिया करिएगा, मुझे लगता है कि अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर आप लोग कर लेंगे। अब बात करेंगे हम लोग आगे स्थायी स्थानीय जो भी शासन व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं आगे हम लोग।